बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों की देवी तो सरस्वती है, बच्चों की देवी तो सावित्री बाई फुले है, विद्या की देवी। देखे प्रोग्राम बंद होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, नहीं पूजा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करूंगी पूजा, नहीं करूंगी पूजा, करके देखो प्रोग्राम बंद करेंगे। दादागिरी चल रही है, दादागिरी साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। राजस्थान के बारा जिले के एक सरकारी स्कूल में विवाद उत्पन्न हो गया कि सावित्री बाई फूले ज्ञान की देवी हैं या सरस्वती। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि तीन पक्षों की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। दरअसल वो साहसी शिक्षिका हेमलता वैरवा जो साफ साफ कह रही थी कि मैं सरस्वती की पूजा नहीं करूंगी, सरस्वती की तस्वीर नहीं लगाऊंगी, इस विवाद को एक झटके में खत्म कराया जा सकता था, क्योंकि शिक्षिका ने उन लोगों से पूछा था कि शिक्षा में सरस्वती का योगदान क्या है। जिन लोगों को लगता है कि सरस्वती की पूजा होनी चाहिए, सरस्वती की तस्वीर लगनी चाहिए, वो लोग महज इतना बता करके इस विवाद को खत्म करा सकते थे कि आखिर सरस्वती का शिक्षा में क्या योगदान है, सरस्वती की शिक्षा दीक्षा कहां से हुई, कितनी पढ़ी लिखी हैं, क्या क्या डिग्री हैं, उन्होंने कहां स्कूल खोले, किन लोगों को पढ़ाया, महज इतनी ही जानकारी तो देनी थी, पूरा विवाद समाप्त हो जाता। मगर अफसोस, जब जब इस तरह का विवाद होता है तब तब कहा जाता है कि नाजुक भावनाएं आहत हो गई, लेकिन बताया नहीं जाता है कि जिसको ज्ञान की देवी कह करके जबरन पूजने का दबाव बनाया जा रहा है उसका उसी शिक्षा में योगदान क्या है। अब पूरा मामला विस्तार से बताता हूं। राजस्थान में एक जिला है बारा, वहां नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है लकड़ाई। उस गांव में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, मगर जो तस्वीरें वहां रखी हुई थी उनमें सरस्वती की तस्वीर नहीं थी। तो पहले विद्यालय के ही कुछ शिक्षकों ने ही विरोध करना शुरू किया, फिर गांव के जातिवादी लोग इकट्ठे हो गए, वो शिक्षिका हेमलता वैरवा पर दबाव बनाने लगे कि यहां पर सरस्वती की तस्वीर जरूर रखो। लेकिन इन तमाम जातिवादियों से अकेले भिड़ते हुए हेमलता वैरवा ने उन्हीं से सवाल पूछा कि आखिर सरस्वती का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है। मेरी नजर में सावित्रीबाई फूले ही ज्ञान की असली देवी है। बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों की देवी तो सरस्वती है, बच्चों की देवी तो सरस्वती है, इनको यहाँ से वहाँ चलो, कृष्ण की मना थोड़ी क्या पढ़ गए, मास्टर बन गए, आराम से प्रोग्राम देखो, देखे प्रोग्राम बंद होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, नहीं पूजा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करूंगी पूजा, करके देखो प्रोग्राम बंद करेंगे, दादागिरी शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती का क्या योगदान है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। इस वीडियो में स्पष्ट है धार्मिक मतांध लोग लगातार दबाव बनाते रहे, मगर शिक्षिका हेमलता वैरवा स्पष्ट कहती रही कि मैं सरस्वती की पूजा नहीं करूंगी। क्या कर लोगे आप लोग, ये भी वीडियो में दिख रहा है कि बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू का अपमान कर रहे हो। शिक्षिका कहती हैं ये विद्यालय है, यहाँ हिंदू से क्या मतलब, क्या ये स्कूल महज हिंदू धर्म के लिए बना है, हिंदू परंपरा याद नहीं है, आपको हिंदू परंपरा याद नहीं है, हिंदू हिंदू से क्या मतलब है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मतलब, ऐसे नहीं मतलब, हिंदू परंपरा पता नहीं है तुम्हें, हिंदू क्या है यहाँ पे, अरे सरस्वती विद्या की देवी, ये मूर्ति आप कह रहे हो सरस्वती, ये विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि तीन पक्ष की ओर से नाहरगढ़ थाने में FIR दर्ज करवाई गई। पहला पक्ष शिक्षिका हेमलता वैरवा का, वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि अगर आपको कोई आपत्ति थी तो आप शिक्षा अधिकारियों से शिकायत दर्ज करा सकते थे, सरकारी विद्यालय में घुस करके
इस तरीके से शिक्षिका को धमकाना उचित नहीं था। दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई गई विद्यालय के इन्हीं दोनों शिक्षकों हंसराज सेन और भूपेंद्र सेन द्वारा। तीसरी एफआईआर दर्ज करवाई गई उन्हीं लफंगों द्वारा जो विद्यालय में घुस करके शिक्षिका को डराते धमकाते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी नाजुक भावनाएं आहत हो गई। अब उस पूरे मामले को तथ्यात्मक दृष्टिकोण से देखें, विभिन्न विद्यालय अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से प्रेयर और पूजा पाठ करवाते हैं, मगर सरकारी गाइडलाइन नहीं है कि सरस्वती की पूजा करना या मूर्ति रखना, तस्वीर रखना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो इन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए जो शिक्षिका को विद्यालय में घुस करके धमका रहे थे। दूसरी बात, अगर यह पूछा जाता है कि सरस्वती का शिक्षा में क्या योगदान था, इसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। किसी के पास जवाब हो तो बताइएगा, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दूसरा सवाल यह बनता है, क्या सावित्रीबाई फूले का शिक्षा में योगदान था? इसका जवाब अब सब जानते हैं। ना जानते हो तो गूगल कर लीजिए, कुछ किताबों को खंगाल लीजिए। सन 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश में पहला बालिका विद्यालय सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिबा फूले ने मिलकर खोला था। इसके बाद फूले दंपति ने मुड़ के नहीं देखा और 18 स्कूल खोले। सोचिए 1848 में देश में बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय, वो भी तब जब सावित्रीबाई फूले स्कूल के लिए निकलती थीं तो जातिवादी गुंडे उनके ऊपर गोबर फेंका करते थे, भद्दी भद्दी गालियां देते थे। उस दौरान इन दोनों ने न सिर्फ शिक्षा के प्रति अपना योगदान दिया, बल्कि विधवा विवाह से लेकर के किसी महिला का पति मरने पर उसके बाल कटवाने की जो प्रथा थी उसका भी विरोध किया, बाल विवाह का भी विरोध किया, और यहां तक कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न संतान यशवंत राव को न सिर्फ अपने बेटे के तौर पर पाला, बल्कि कम उम्र की विधवाओं के विवाह के लिए भी संघर्ष किया। अब खुद सोच लीजिए कि वास्तव में शिक्षा में, समाज में किसका योगदान है, किसकी तस्वीर रखनी चाहिए, किसको ज्ञान की देवी मानना चाहिए। बहरहाल नेशनल जनमत इस विवाद में नहीं उलझना चाहता, सिर्फ इतना चाहता है कि अगर किसी को जानकारी है कि सरस्वती का शिक्षा में क्या योगदान था, वो निश्चित तौर पर नेशनल जनमत को उपलब्ध कराए, ताकि हेमलता वैरवा जैसे सरस्वती विरोधियों को माकूल जवाब दिया जा सके। इस घटना को नजीर के तौर पर भी देखा जा सकता है। वास्तव में हेमलता वैरवा जैसी जागरूक शिक्षिका सावित्रीबाई फूले का ऋण अदा कर रही हैं। दर्जनों जातिवादी गुंडों के सामने भी न डर रही हैं, न झुक रही हैं, पूछ रही हैं कि सरस्वती का शिक्षा में योगदान तो बताओ, मैं सरस्वती की पूजा नहीं करूंगी, क्या कर लोगे? देखते रहने से जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।